मैं नरेंद्र सिंह, आज हम जो डेमो लेने वाले हैं वो हम बताने वाले हैं आपको फ्रेंच ब्रेड के बारे में। ओके, फ्रेंच ब्रेड क्या होता है? फ्रेंच ब्रेड बेसिकली इज कॉल्ड एज अ लीन टू। फ्रेंच ब्रेड से हम बहुत कुछ बनाते हैं, जैसे कि फ्रेंच ब्रेड, फ्रेंच बकेट, फ्रेंच लोफ, फ्रेंच रोल्स, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आपको, फ्रेंच फ्रिजल्स होते हैं, तो वो हम आपको आज जो ढो लगाने वाले हैं हम उसमें दिखाएंगे आपको। ओके, तो हम उससे पहले जो जान लेते हैं कि फ्रेंच ब्रेड, फ्रेंच ढो क्या होता है। इससे कॉल्ड लीन ढो, बेसिकली इट्स वेरी हैवी, और जैसे कि हम इसमें बटर, शुगर और जो भी फैट यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बट इसके जो बेसिकली क्लासिफिकेशन की अगर बात करें हम, तो तीन क्लासिफिकेशन होते हैं इसके, स्टिफ, स्टैंडर्ड और रस्टिक। ओके, स्टिफ क्या होता है? स्टिफ ब्रेड में आपका 50 to 55% तक वाटर रहता है, और जो रस्टिक ब्रेड होता है उसमें आपका 57 से 62 तक वाटर कंसिस्टेंसी रहता है। और जो रस्टिक ब्रेड होता है, रस्टिक ब्रेड में जो कंसिस्टेंसी होती है वाटर की, वो 65% से अबव रहती है। वो क्या होता है कि बहुत ही लूज होता है। स्टिफ ब्रेड क्या होता है? स्टिफ ब्रेड में बहुत हार्ड डो होता है। जैसे कि हार्ड डो हम आपको दो एक ब्रेड के नाम बता सकते हैं, एक बैगल्स होता है, प्रिजल्स होते हैं। ये बहुत ही हार्ड ब्रेड डो होते हैं जिनमें वाटर की जो क्वांटिटी रहती है, वाटर कंसिस्टेंसी जो रहती है वो बहुत लो रहती है। और जो अपने स्टैंडर्ड ब्रेड होते हैं जिनमें वाटर की कंसिस्टेंसी 57 से 60% तक, मतलब 5.7 to 6% तक जो वाटर रहता है, उसमें लगभग हमारा ये सारे ब्रेड्स आ जाते हैं, ब्रेड रोल्स, हार्ड लोफ, फ्रेंच लोफ, ऑल ना। और अगर रस्टिक की बात करें तो रस्टिक ब्रेड जो अपना होता है, रस्टिक ब्रेड में अपना जो वाटर की क्वांटिटी होती है, वाटर कंसिस्टेंसी जो होती है वो बहुत हाई रहती है। इट्स अराउंड 6.5% मोर देन दैट, हाउ मच यू कैन हैंडल द डो। सो अगर इनके ब्रेड की बात करें तो ये ब्रेड आप, अगर आपने नाम सुना हो, फोकाशिया, शियावता, पिज्जा, तो दीज आर ऑल ब्रेड्स कम अंडर द रस्टिक ब्रेड। ओके, तो यहाँ पे जो हम फ्रेंच ब्रेड बनाने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है। मैदा इसके साथ में हम 1 किलो मैदा में, जैसे 20 ग्राम सॉल्ट, तो हमने 10 ग्राम सॉल्ट लिया है। ये 10 ग्राम जो सॉल्ट है वो हमने मैदे के साथ में यूज कर लिया। ये है अपना ईस्ट, एक्टिव ईस्ट है बेसिकली, जिसको हम प्रेस ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट अपने तीन टाइप्स के आते हैं, ड्राई ईस्ट, एक्टिव ईस्ट और इंस्टेंट ईस्ट। तो जो ईस्ट है, ईस्ट क्या करता है बेसिकली, इट्स अ रेजिंग एजेंट्स। इसमें एक चीज और होता है, ब्रेड इम्प्रूवर। ब्रेड इम्प्रूवर हम यूज करते हैं ऑल्सो द सम केमिकल्स और सम लाइक सोया फ्लावर एंड ऑल विच वी यूज इन दैट ब्रेड इम्प्रूवर। बट इधर हम ब्रेड इम्प्रूवर यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेड इम्प्रूवर बेसिकली इज कंटेन द सम केमिकल्स। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो थिंकिंग अबाउट दैट, मे बी दैट ब्रेड इम्प्रूवर्स इट शुड बी यूज और नॉट। बट इन द होटल्स यू कैन सी लिटिल बिट, बिकॉज ब्रेड इम्प्रूवर शुगर के साथ में बहुत अच्छे से वर्क करता है। इट वर्क नाइसली, देन वॉट इट डज, इट्स इम्प्रूव द वॉल्यूम ऑफ द डो। जो डो का वॉल्यूम है उसमें क्या होता है, एयर इनकॉर्पोरेट होता है अंदर। तो एयर इनकॉर्पोरेट होगा तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा ब्रेड का, तो इसलिए हम ब्रेड इम्प्रूवर ही यूज करते हैं। बट दैट वर्क द ईस्ट कैन डू, बट द क्वालिटी एंड दैट इफ यू सी द स्टैंडर्ड ऑफ दैट, कंपेयर द ब्रेड इम्प्रूवर विदाउट इम्प्रूवर, देन देयर इज अ डिफरेंस इन दैट। सो हम थोड़ा सा शुगर यूज कर रहे हैं, शुगर हम यूज कर रहे हैं थोड़ा सा कलरिंग के लिए, मतलब जब हम बेकिंग करेंगे तो कलर आ जाएगा। इस फ्रेंच ब्रेड के दो भाग होते हैं, पहला भाग होता है क्रस्ट और दूसरा भाग होता है क्रम। क्रस्ट जिसको हम बोलते हैं वो ऊपर का भाग होता है, जो अपर लेयर ऑफ द ब्रेड इज कॉल्ड क्रस्ट। जब हम उसको टच करते हैं एकदम आवाज आता है उसके चटकने का, स्किन चटकने का। और जो अंदर का भाग होता है वो होता है क्रम। तो इसमें हम जो फ्रेंच ब्रेड बनाने वाले हैं, तो इसमें हम जो मैंने बताया कि एक किलो मैदा में लगभग आप 55 to 60% वाटर ले सकते हैं, तो हम इसमें 600 वाटर के अनुसार हम इसमें 300 ml वाटर यूज़ करेंगे। 300 वाटर। ईस्ट को हम क्या करते हैं, ईस्ट को हम एक्टिव करने के लिए, या तो इसको हल्का सा वार्म वाटर में डाल दीजिए, या फिर आप इसको वार्म मिल्क में डाल दीजिए अगर मिल्क यूज़ करना चाहते हैं। तो ये जल्दी एक्टिव हो जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा जस्ट लिटिल बिट इतना शुगर डालोगे, तो शुगर क्या है, एक फूड है ईस्ट का।
ओके जिससे क्या है ईस्ट जल्दी एक्टिव हो जाता है। ईस्ट को कभी भी हम सॉल्ट के साथ में यूज नहीं करते हैं बिकॉज सॉल्ट किल द ईस्ट, इट्स अ बैक्टीरिया बेसिकली, इट्स अ अलाइव बैक्टीरिया, सो इट विल नॉट वर्क। ओके यदि ईस्ट की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, तो हमारे बहुत सारे एक नेचुरल ईस्ट भी होता है जो हम जिसको स्टार्टर बोलते हैं, जो आपने सुना हो फ्रेंच जो सावर डो, सावर लोफ, वो सब नेचुरल ईस्ट से बनते हैं। नेचुरल ईस्ट कैसे क्रिएट करते हैं जब आप हम क्लास में बात करेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके सो विल स्टार्ट द नाउ प्रोसेस। ओके आई पुट द डो, आई पुट द 300 ml वाटर इन दिस एंड आई नीड द डो, इन द लास्ट आई विल शो यू द हाउ द डो इज लुक लाइक। ओके सो थैंक यू। तो ये डो जो हमारा है ऑलमोस्ट रेडी है, देखिए ये डो हमारा रेडी है। इसको हम कैसे चेक करते हैं कि डो रेडी है कि नहीं? पहले तो हम इसको जस्ट इस तरीके से जब करते हैं तो ये जो क्रैक इस तरीके से आ रहे हैं ना, ज़्यादा ऐसे इस तरीके से कर दोगे तो ये क्रैक आएंगे, तो ये क्रैक नहीं आना चाहिए। जब टच करेंगे इस तरीके से, जैसे ये टच कर रहे हैं हम, तो ये साइनी है, इसका मतलब डो आपका रेडी है। दूसरा, ऐसे आप डो ले लीजिए हाथ में, ठीक है, ऐसे डो लेके इसको धीरे धीरे स्टिच कीजिए। ओके धीरे धीरे इसको खींचिए, तो इस तरीके से ये खींचेगा तो ये बीच में से टूटेगा नहीं इस तरीके से। ओके ये ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाता है एकदम, ठीक है, ये देखिए, तो इसका मतलब है कि ये डो रेडी है। ओके तो ये आइडेंटिफिकेशन है बेसिकली कैसे हम डो को चेक कर सकते हैं। ओके अब इस डो को हम क्या करेंगे कि कुछ समय के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। ओके लगभग 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के बाद हम प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट को प्रूविंग करेंगे। ओके प्रोडक्ट प्रूविंग का टेम्परेचर जो होता है 28 to 30 degrees centigrade पे, उसका जो मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो 87 to 80-90 तक होनी चाहिए। ओके इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। जो ढो रखा था फर्मेंटेशन के लिए 45 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब हम देखते हैं कि ये ढो किस तरीके का दिखते हैं। ओके आइए देखिए, ये ढो पूरी तरह से फर्मेंट हो चुका है। जब हम कोई भी सावर डो बनाते हैं या नेचुरल स्टार्टर यूज़ करते हैं तो हम उस डो को और ज़्यादा टाइम देते हैं, 4 hours, 5 hours, 6 hours फर्मेंटेशन के लिए, उसके बाद हम डो प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके तो ये डो अच्छे तरीके से, अब हम इसका क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसमें से 500 ग्राम का एक स्टैंडर्ड लोफ होता है, तो हम 400 ग्राम का एक लोफ बनाएंगे, फिर उसके बाद हम उसमें से फ्रेंच रोल्स बनाएंगे, फिजल्स बनाएंगे, कुछ हार्ड ब्रेड रोल्स भी बनाएंगे। ओके तो हम दिखाएंगे कितने डिफरेंट प्रोडक्ट हम एक हार्ड रोल से और ये फ्रेंच लोफ जो डो है उसे बना सकते हैं, लीन डो। ओके तो हम देखते हैं कि हम इसको 400, तो हम इसमें से लगभग जो फिजल्स का जो वेट रहता है वो लिखता है लिटिल हाई वेट रहता है, अराउंड 50 to 60 ग्राम हम यूज़ कर सकते हैं, और जो ब्रेड रोल्स का है वो आप 40 ग्राम ही यूज़ करें, 40 ग्राम इज़ अ वेरी नाइस साइज फॉर द ब्रेड रोल्स। ओके तो हम देखते हैं कि ये हमारे लगभग, हम इनको स्केल कर लेंगे, ये हमारे लगभग 40 ग्राम्स के प्रोडक्ट हैं, 40 ग्राम्स के लिए ब्रेड रोल्स के लिए, हमने 50 ग्राम्स के लिए फिजल्स के लिए कट कर लिया है, और 40 ग्राम हम एक्स्ट्रा कट कर लेंगे, फिजल्स हम आपको दिखा देंगे, ब्रेड रोल्स हैं। ओके तो ये सारे हमारे ब्रेड रोल्स वगैरह हैं और इनको हम कैसे रोल्स करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। ओके जैसे ब्रेड रोल्स हैं तो ब्रेड रोल्स हमने इस तरीके से बना के रख लिए। ओके इनको हम फिजल्स लॉन्ग होता है तो हम थोड़ा लॉन्ग शेप में बना के रखते हैं इस तरीके से। अब हम इनको फोल्ड करेंगे। ओके तो ब्रेड रोल्स को पहले हम जो फ्रेंच रोल्स हैं उनको हम फोल्ड करके दिखाएंगे आपको कि फ्रेंच रोल कैसे फोल्ड करते हैं। इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, ओके दोनों तरफ से, ये अपने ये ओवल शेप में होता है। ओके तो ये अपना फ्रेंच रोल ओवल शेप में ये रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। ओके जब हम इसको जब ये प्रूव हो जाएगा, हम प्रूविंग के लिए रखेंगे अभी लगभग 45 मिनट्स के लिए, प्रूविंग के बाद हम इसमें हल्का सा कट मारेंगे, एक स्ट्रेट कट मार सकते हैं, दो कट मार सकते हैं, जैसे आप चाहें क्रॉस कट मार सकते हैं। ओके वो शावर लोप में आ जाएगा। तो और ये जो अपना फिजल है, फिजल क्या होता है कि आपको लॉन्ग बनाना होता है। ओके ये इस तरीके का होता है। ओके ये लॉन्ग फिजल बन गया, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हल्के हल्के ऐसे स्ट्रेट कट मारते हैं। ओके जस्ट 3 कट मारेंगे, ये फिजल हो गया। सावर लोफ अगर हम बात करें मिनी सावर लोफ की, तो वो ओवल शेप नहीं रहेगा, उसका जो लिटिल शेप
जस्ट ब्रेड रोल की तरह होगा बट लॉन्ग होगा. ओके इस तरीके से हाँ, ये हम 50 ग्राम्स के लगभग बना सकते हैं. ओके लोफ जो हमारा रहेगा, लोफ को हम पहले सबसे पहले हम इसको फोल्ड रोल कर लेते हैं, लॉन्ग कर लेते हैं. ओके ये इसकी फोल्डिंग मेथड होता है. ओके इस तरीके से हम फोल्ड करते हैं. जब हम फोल्ड करते हैं किसी भी लोफ को तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन, मतलब हम इसको कैसे पहचाने कि अच्छा फोल्ड हुआ है, ये जो दिख रहा है आपको जॉइंट, ये जॉइंट स्टेट मतलब ऐसे डाउन में एक साथ आ जाना चाहिए, तो वो इसी तरीके से आ गया. ओके तो हम इसको क्या करेंगे, डाउन में रखेंगे इस तरीके से. राइट जब ये प्रूव हो जाएगा तो हम इसमें कट मारेंगे. ओके तो नाउ आई विल शो यू व्हेन आफ्टर फिनिशिंग द प्रूविंग व्हेन आई विल कट दिस लोफ एंड रोल्स देन आई विल शो. ओके तो मैंने जो ब्रेड रखा था प्रूविंग के लिए, ये प्रूव हो चुका है. आइए देखते हैं कि इसको प्रूविंग हम कैसे चेक करते हैं. जब हम इसको, पहली बात तो इस पर कोई भी बबल्स नहीं आना चाहिए, आपको ट्रांसपेरेंट बबल्स दिखेंगे वो नहीं आना चाहिए, वो आ जाएंगे तो इसका मतलब ओवर प्रूविंग हो गया है. जब हम इसको इस तरीके से टच करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ये रह जाएगा गैप, पूरी तरह से एकदम वापस नहीं आएगा. देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये एक तरह से वापस पूरी तरह से वापस नहीं आ रहा है, ये भी वापस नहीं आ रहा है. इसका मतलब ये है थोड़ा सा, अगर इसको ये आ रहा है पूरी तरह से, ओके इसमें आपको नहीं दिख रहा है कुछ भी, तो इसका मतलब ये प्रूव नहीं हुआ, ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया. तो प्रूविंग होने के बाद हम क्या करेंगे, हल्का सा इसमें डस्टिंग करेंगे थोड़ा सा फ्लावर का. ओके फिर हम इसको कट करेंगे. देखिए इसकी कटिंग हम आपको दिखाते हैं. बेसिकली फ्रेंच कटिंग अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं. ये कटिंग हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये जब ब्रेड हम बेकिंग करेंगे इसके अंदर जो एयर है वो इस कटिंग के थ्रू निकल जाएगा. यदि हम कटिंग नहीं निकल लगाएंगे तो क्या होगा, ये ब्रेड किधर से भी ओपन हो जाएगा, इसलिए कट लगाना बहुत ज़रूरी है ब्रेड में. ओके तो ये तो हमारा हो गया लोफ का. अभी हम ब्रेड के दिखाते हैं आपको. ये हमारे फ्रेंच फिजिल्स हैं. ओके इनको हम कैसे कट लगाते हैं, ऐसे लॉन्ग. ये हमारे सावा लोफ, मिनी सावा लोफ. जब ये बेक होगा, जब आप देखेंगे इनके जो कटिंग है ये किस तरीके से दिखते हैं. हमेशा जब भी आप कटिंग करें तो मेक श्योर आपके पास शार्प ब्लेड हो या फिर आपके पास शार्प ब्रेड नाइफ हो. अगर एक ब्रेड नाइफ भी आता है उसमें एक ब्लेड लगा हुआ आता है सेम, दैट्स ये भी आप यूज़ कर सकते हैं. एक ब्रेड नाइफ भी आता है तो श्रेडेड नाइफ जो रहता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. ओके ये अपना फ्रेंच रोल है, इस पर हम सिंगल एक कट भी मार सकते हैं. ओके और तीन कट भी मार सकते हैं. अब हम इसको बेक करेंगे 240 डिग्री टेम्परेचर पर. ये टाइम लेगा लगभग 12 टू 15 मिनट्स. ओके ब्रेड रोल्स इसमें हम स्टीम देते हैं, इट्स कंपलसरी. ओके सो आई विल पुट इन द ओवन एंड देन विल शो यू द फाइनल प्रोडक्ट. ये ब्रेड ऑलमोस्ट रेडी है, आप देख सकते हो बहुत क्रंची है. थोड़ा सा इसको 2 मिनट के लिए और बेक करेंगे जिससे ऊपर जो क्रस्ट है वो अच्छे तरीके से आ जाए. ये ब्रेड में ये भी अपना ऑलमोस्ट रेडी है, इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए हमको रखना पड़ेगा. ओके अब देख सकते हैं हमारा ब्रेड रेडी है.
ये हमने ब्रेड ओवन से निकाल लिया है, 240 डिग्री टेम्परेचर पर बेक किया था। और इस ब्रेड को बेकिंग करने के लिए टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो कलर आया है इस ब्रेड का ब्राउन, बहुत ही अच्छा कलर है, परफेक्ट है। जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि देखिए हम आपको दिखाते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बोला था इसके दो भाग होते हैं, क्रस्ट और क्रम। देखिए आपको आवाज़ सुनाई दे रहा हूँ, ये आवाज़ जो आता है, ये क्रस्ट का जो आवाज़ आता है, ये एक तरह से ये हम बोल सकते हैं इसका फ्रेंच ब्रेड, क्योंकि जो ऊपर का जो क्रस्ट होता है वो हार्ड होता है, अंदर जो क्रम होता है उसमें थोड़ा सा मॉइस्ट रहता है। बट दिस ब्रेड कैन सर्व विद बटर एंड फ्लेवर्ड बटर वेरी नाइसली। ओके, इस ब्रेड को हम स्लाइस कर सकते हैं, जो हमारा सावर लोफ है ये हमने 500 ग्राम का बनाया था, आप देख सकते हैं उसकी स्टैंड, हम इसको स्लाइस कर सकते हैं। अभी ये बहुत गर्म है, गर्म कोई भी ब्रेड जब गर्म हम ओवन से निकालते हैं, हम कोई भी ब्रेड कट नहीं करते हैं। ओके, क्योंकि उसमें क्या होता है, मॉइस्ट रहता है अंदर, जब आप कट करोगे तो वो डो बन जाएगा, उसमें हीट है, मॉइस्ट है, तो मॉइस्ट होने के कारण वो क्या होगा, डो उसमें बन जाएगा, तो इसलिए हम उसको गर्म में कट नहीं करते हैं। ये हमारा फिजिल है, आप देख सकते हैं लॉन्ग फिजिल, इसमें हमने 3 कट मारे। ये सावर डो मिनी ब्रेड्स हैं और ये फ्रेंच रोल है। ओके, दिस आर जस्ट 4 वेराइटीज आई मेड फ्रॉम द वन डो, एंड वी कैन मेक द फ्रेंच बगेट एज वेल। ओके, सम लॉन्ग ओवल एंड राउंड एंड दिस शेप ब्रेड। ओके, सो एनी थिंग्स रिगार्डिंग दिस ब्रेड्स एंड अदर थिंग्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रेड विच आई टोल्ड यू, दैट्स वील डिस्कस इन द क्लास। थैंक यू।